गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. कल एक काउंसलर आए थे मेरे घर पे मेरे भाई के लिए. तो उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि आईआईटी को कैसे क्रैक करें, क्योंकि वो साइंस लिया है. उनका ये था कि आईआईटी आपने क्रैक कर लिया तो आप अच्छे हो, और अगर नहीं किया तो आप कुछ नहीं हो. जो मेरा भाई बैठा था, हाँ. उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी, हाँ. और धीरे धीरे करके वो ऐसे हो गया. ओ, तो बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो गया, जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं था. तो मुझे ये पूछना है कि हम दूसरे के डिसीजन को अपना डिसीजन ना समझ के अपने दिमाग से सही तरीका ढूंढें. एक्सीलेंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर. पॉइंट ये आ रहा है कि क्या करें, जो हमें ठीक लग रहा है वो करें, या फिर जो एक्सटर्नली हमारे ऊपर प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं वो करें. किसी को अथॉरिटी दें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की या ना दें, क्या क्या अथॉरिटीज हैं, लिस्ट बनाएं एक बार, और फिर इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जब भी किसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग या उसके अंडर हम कुछ भी करते हैं तब हमारी क्या हालत होती है. वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार लिस्ट बनाते हैं अथॉरिटीज की. कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसका अपना कोई सेल्फिश मोटिव है, वो आपके पेरेंट्स के और आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करेगा, वो तो जान लगा देगा. जैसे होता नहीं है किसी दुकान में आप गए कुछ खरीदने के लिए, अगर उसको तगड़ा इंसेंटिव मिल रहा है तो आपको जाने देगा, वहां से पीछे भागेगा. सर 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 सर, मैडम मैडम मैडम, एक मिनट तो रुको, एक मिनट मेरी बात तो सुनो. ये वो कचरे को भी आपको ऐसे दिखा देगा कि बस यही सब कुछ है. हो सकता है वहां पर कचरा हो, उसको भी बेच के चला जाएगा आपको. तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि सामने वाला बंदा जो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है या कुछ कह रहा है, उसका अपना क्या मोटिव है उसमें? कैन वी अंडरस्टैंड दैट? या फिर एकदम से हम कहीं पर भी कुछ भी देखते हैं और हम मान लेते हैं, यानी न्यूज़पेपर ने कुछ कहा तो हम मान लेते हैं, न्यूज़पेपर ने किसी के बारे में कुछ उल्टा कहा कि इस बंदे ने क्राइम किया है, ये क्रिमिनल है, तो मान लिया. वी डोंट इवन नो के वो बंदा, अगर अपने आप को उसकी जगह पर रख करके देखो, हो सकता है उसने कोई क्राइम ना किया हो, बट क्योंकि पुलिस ने उसको पकड़ा तो इसको मतलब वो क्रिमिनल है. तो ये एक अथॉरिटी हो गई, मीडिया हो गया. दूसरी अथॉरिटी क्या हो गई? इंटरनेट. टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है इंडिया में, ऐसे ही सर्च करते हैं ना फॉर दिस, और वहां पे आपने देखा और ये लिखा हुआ है ऊपर आया, इसका मतलब यही सही है. हो सकता है वहां पर जो टॉप पे दिख रही हो यूनिवर्सिटी, उसी ने अपने बंदे पीछे बिठाए हुए हैं और उसको हमने मान लिया, उसके बेस पे एक्ट कर रहे हैं. और क्या है अथॉरिटी? पेरेंट्स है अथॉरिटी या नहीं है? आप लोग एज ग्रुप में तो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है जी. मुझे पता है, हमें पता है, हमें मत सिखाओ. बाल धूप में सफेद नहीं हुए. हाँ, बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं. मतलब धूप में सही में बाल सफेद होते हैं? इतने मजदूरों को मैंने देखा है धूप में काम करते हैं, बिल्कुल काले बाल हैं, फर्स्ट क्लास है. दो तरह की अथॉरिटी है पेरेंट्स की तरफ से, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब क्या? अगर ये नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. बोलो कि अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो वैसे ही आपसे बुरा कोई नहीं है. दूसरी अथॉरिटी क्या होती है? इमोशनल अत्याचार. बेटे तुम कर लो, लेकिन एक बार सोच लेना हमारे बारे में. हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया. पाल तो पता है, पोसना क्या होता है? पाल पोस, व्हाट डस पोस मीन? मैं सही में नहीं पता. पोषण देना. अच्छा, और अगर हम नहीं पालते पोसते तो तुम कहीं गली में पड़े होते. हाँ, ऐसे भी बोलते हैं. ऐसे कौन बोलता है? मतलब अपनी तरफ से बड़ा चला के कुछ बोल रहा था. लोगों ने कहा हाँ. सगे माँ बाप हैं आपके या कजिन है? वो तो भाई बोलते हैं आपस में, भाई बहनों की लड़ाई हो रही होती है कि तेरे को वहां से उठा के लाए थे, ये क्या था, कचरे के डब्बे से. हाँ. लग भी रहा है कुछ लोगों को देख. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही बड़े खतरनाक है. इनडायरेक्ट मतलब आपसे बात करना बंद कर देंगे. जो गुस्सा है ना, उससे लाख गुना ज्यादा पावरफुल है साइलेंस. दो दिन तक बात मत करो सामने वाले से, उसकी वर्ड लग जाएगी. ये क्या हो गया पापा, मेरे से बात क्यों नहीं कर, कभी करेंगे भी या नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे तो क्या सजे. फिर प्रेशर्स क्रिएट होने लग जाते हैं हमारे ऊपर. चलो ठीक है, जो कह रहे कर लो. रिलेटिव्स की अथॉरिटी है. रिलेटिव्स भी वो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, सीधी सी बात है, जिनके पास पैसा है. जिनके पास नहीं होता उनके पास काहे की अथॉरिटी? उनको तो आपके घर वाले कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं.
ध्यान से देखना इन चीज़ों को, मेरे को बड़ा मजा आता है ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने में। जो पैसे वाला है ना उसके पास तो पूरी प्लेट लेकर के जाएंगे, उसमें 10 तरह की मिठाई होंगी, अरे एक और एक और एक और, और एकदम से वहां पे कोई ऐसा रिलेटिव दिख जाएगा जो ज्यादा क्लोज है रिलेशन वाइज, वहां से ऐसे निकल जाएंगे जैसे देखा ही नहीं उसको, कि अरे आप भी थे, मैंने देखा नहीं आप। यानी ये अथॉरिटी है किसकी, उन रिलेटिव्स की जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, जिनके पास पैसा है, वो कुछ भी बोल रहे होते हैं और लोग मान रहे होते हैं। मतलब वो अथॉरिटी डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं है, आपके पेरेंट्स के ऊपर है, फिर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ऐसे ही होता है या नहीं होता है? और किस किस तरह की अथॉरिटीज है? पीयर प्रेशर, यार दोस्त, आपका सबसे खास दोस्त, उससे अलग होने का डर, एक ऐसी जगह पे जाने का डर जहां पे आपको पता ही नहीं कि आपका कोई दोस्त बनेगा भी या नहीं बनेगा। बहुत बार हम ऐसे डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं कि उस कॉलेज में जाऊंगा, वो करूंगा, क्यों, क्योंकि वहां पे वो भी है। और ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, वो तो निकल लेता है, आप वहां पर अकेले रह जाते हो। अंधविश्वास तो भी होता है, अंधविश्वास बिल्कुल, ये तो बड़ा कमाल का पॉइंट है। यानी आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका दिल क्या कहता है, दिमाग क्या, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट जी, कुंडली, आपकी कुंडली क्या कहती है, कुंडली मिलती है नहीं मिलती है, और ये आपका हाथ क्या कहता है, आपका हाथ। और क्या है अथॉरिटी, मनी। बहुत अच्छी बात बोली, किसने बोला ये, बड़ी सही बात बोली है जी, मनी। क्या पैसा अथॉरिटी है या नहीं है? पैसा फेक, तमाशा देख, यानी जहां पर पैसा नजर आता है एकदम से वहां पर अट्रैक्ट नहीं हो जाते हो, और एक्चुअल में पैसा अथॉरिटी नहीं है। ध्यान से अगर आप समझ पाओगे, हो सकता है किसी के लिए पैसा बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है उसके पास आप आओ और आ करके उसको बोलो कि भाई तेरी कितनी औकात है, चल तेरी 1 करोड़ की औकात है, ले 100 करोड़ रुपए, तेरे को ये करना पड़ेगा, हो सकता है वो बंदा हंस करके भाग यहां से। तो अथॉरिटी पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा इज नॉन लिविंग, उस पैसे को जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं जरूरत से ज्यादा यहां पर, वो अथॉरिटी बन जाता है। इससे हर कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, तो पूरी दुनिया इसके हिसाब से चल रही है। बट ऐसे चलने से क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। और क्या है अथॉरिटीज, लव। अरे क्या बोला है, बेईमान इश्क। ईमान कहा है, मतलब प्यार मोहब्बत में कहीं दिखता है, बेवफा इश्क। लव जिसको हम प्यार बोलते हैं, और सबसे तगड़ा ब्लैकमेल करने का हथियार है। अगर आपके घर वालों के पास ये हथियार ना हो कैसे ब्लैकमेल करेंगे आपको, तुम्हें पता है हम कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, क्या चाहिए, किडनी से अभी निकाल के देते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो ना बच्चों, और तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो कौन मानेगा। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, अथॉरिटीज क्या है, चारों तरफ अथॉरिटीज ही अथॉरिटीज है, और इन अथॉरिटीज के हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो सुबह से रात तक। और फिर हम बात करते हैं खुशी की, कहां है खुशी, हम बात करते हैं फ्रीडम की, बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम। जो आजाद है वही तो खुश है ना, जो भी किसी भी तरह से बंधा हुआ है, चाहे यहां पर चाहे फिजिकली, वो परेशान है। अथॉरिटी का मतलब, किसी भी तरह की कोई भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब, बंध गए, अटक गए, वहीं पर रुक गए, स्टैग्नेट हो गए। अब आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए दिमाग कोई और लगा रहा है, और वो उस तरह से दिमाग लगाएगा जिसमें उसका फायदा है, हो सकता है उसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे हो। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है, यू ऑलवेज वॉन्ट अ सोल्यूशन फ्रॉम समबडी। अभी आप लोगों में से बहुत के माइंड में क्या आ रहा होगा, अच्छा ठीक है अथॉरिटी है तो अब क्या करें, ये किससे पूछ रहे हो, अंदर से आता है ना, अब क्या करें, अब बताओ ना क्या करें, सर जो है सो है, अब आप ही बता दो क्या करें, आ रहा है अंदर से नहीं आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये जो सोल्यूशन क्या है आप किससे पूछ रहे हो, इसको अथॉरिटी बना रहे हो आप, इसको चाहे आप अथॉरिटी बनाओ, चाहे किसी न्यूज़पेपर को अथॉरिटी बनाओ, चाहे अपने घर वालों को अथॉरिटी बनाओ, चाहे उस इंसान को अथॉरिटी बनाओ जो सो कॉल्ड जिससे आप प्यार करते हो, कोई फर्क नहीं है, अथॉरिटी अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब क्या, मान लेना, वो जो भी कह रहा है ब्लाइंडली उसको फॉलो करना, जो कह रहा है उसकी बातों की वजह से या उस बंदे की वजह से, और उसे लड़ना, कुछ भी मान लेना, इस किताब में ये लिखा हुआ है। रिलीजन अथॉरिटी है नहीं है, उसके पीछे मारकाट हो रही है, एक बुक में कहीं पर कुछ लिखा हुआ है उसको मान लिया,
अब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या माना कि इसमें जो लिखा है वो सही है, तो बाकी सब जगह जहां पर भी जो भी लिखा है वो सब गलत है। तो सही और गलत पैदा हो गया, राइट और रॉन्ग पैदा हो गया। द बिगिनिंग ऑफ दिस इज अथॉरिटी, नॉट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी में या प्रॉपर क्वेश्चनिंग में कोई अथॉरिटी नहीं होती है, क्योंकि देन यू हैव द करेज एंड द इंटेलिजेंस टू क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग।